हेलो गाइस, नमस्कार। आपका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक बख्शी पे। हम इस चैनल पे रिव्यूज करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी अच्छी चीजें बताते हैं। आज हम रिव्यू करने वाले हैं रेडमी एयरबड्स का, जो रेडमी ने 2 महीने पहले लॉन्च किए थे और हम उन बड्स को 1 महीने से यूज कर रहे हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन। Redmi Earbuds का प्राइस Amazon और Redmi की ऑफिशियल साइट पे 1799 रुपीज़ है। स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो Redmi का बॉक्स फुली प्लास्टिक का बना हुआ है। आप अगर बॉक्स के नीचे देखोगे तो यहाँ पे Redmi Earbuds S लिखा हुआ है, जो ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी के साथ आता है। सबसे बड़ी बात, ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है जो मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। जब हम बॉक्स को पिछली साइड से देखते हैं तो यहाँ पे माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पॉइंट है, जो आउटडेटेड है। अगर टाइप सी होता तो बहुत अच्छा होता। जब आप बॉक्स को खोलते हो तो आपको अपने प्यारे ईयरबड्स इसमें दिखाई देंगे। ये काफ़ी स्ट्रांग है, इनका मैग्नेट निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आसानी से अगर आप इनको हिलाओगे तो ये नीचे नहीं गिरेंगे। ये इसके चार्जिंग डॉट्स है, जो आपको अपने ईयरबड्स को चार्ज करने में हेल्प करेंगे। ईयरबड्स के साइड में ही माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं, जो आपकी नॉइस कैंसिलेशन में हेल्प करेंगे। इस डिवाइस के अंदर जो ये बॉक्स है, इसके अंदर 300 mAh की लिथियम आयन बैटरी आती है, जो कंपनी क्लेम करती है वो 12 आवर्स का प्लेबैक टाइम और 150 आवर्स का साउंड बाय टाइम देती है। जब आप इसको यूज़ करते हो तो ये आपको 4 आवर्स का टाइम देती है, लेकिन जब मैंने इन ईयरबड्स को यूज़ किया तो मेरे पास इन्होंने लगभग 3 घंटे के आसपास ही मुझे प्लेबैक टाइम दिया हुआ है। ये ईयरबड्स आपको IPX4 की रेटिंग के साथ आते हैं, जो आप इन ईयरबड्स को स्प्लैश प्रूफ और स्वेट प्रूफ बनाते हैं। ये फुल्ली वाटर प्रूफ नहीं है। और अगर बात की जाए, Redmi ने इसमें जो चिप लगाई है वो है R1 चिप, जो आपकी लो लेंटेंसी गेम मोड को में हेल्प करेगी। इसकी वजह से आपको 122 मिलीसेकंड का लो लेंटेंसी रेट मिलेगा। इस डिवाइस को चार्ज करने में आपको लगभग 2 घंटे और 2 घंटे से थोड़ा सा ऊपर का टाइम लगेगा। जब मैंने अपने डिवाइस में इन ईयरबड्स के साथ वीडियो देखा तो मुझे लेंटेंसी रेट काफ़ी लो लगा इसका। जब आप वीडियो देखते हो तो साउंड आपकी बाद में आती है और वीडियो जो चलती है वो पहले चलती है। कनेक्टिविटी का भी इशू देखा है मैंने इसमें, जब आप किसी और डिवाइस पे इसको मूव करते हैं तो ये कनेक्ट लेने में भी थोड़ा टाइम लगाते हैं। लेकिन मैं एक बात सीरियसली कहना चाहूँगा, अगर आप बजट ईयरफोन्स देख रहे हैं तो ये Redmi के सबसे बेस्ट ईयरबड्स हैं, जो आपको इस बजट सेगमेंट में आसानी से मिल जाएंगे। ये डिवाइस एंड्रॉयड और iOS दोनों को सपोर्ट करते हैं। मैंने इन ईयरबड्स को अपने कानों में लगाया है, ये मेरे कानों में काफ़ी अच्छे से फिट होते हैं, लेकिन मैं आपको सीरियसली बताऊं तो ये छोटे कानों वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हैं, क्योंकि ये काफ़ी कंफर्टेबल नहीं है। मुझे इतने कंफर्टेबल अपने कानों में भी नहीं लग रहे हैं, और जब आप इनका बटन प्रेस करोगे तो ये काफ़ी हार्ड है, जो आपको ऐसा फील होगा कि ये आपके कान के अंदर ही घुसे जा रहे हैं। तो ये मतलब मुझे इतने कंफर्टेबल सीरियसली में नहीं लगे हैं। आप इस बटन की हेल्प से अपने कॉल को पिक भी कर सकते हैं, और आपने अगर म्यूजिक का ट्रैक चेंज करना हो ये आपको उसमें भी हेल्प करेगा। ये था एयरबड्स का फुली रिव्यू, जो हमने 1 महीना यूज करने के बाद आपके सामने इसको रखा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेक श्योर कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो भी इन एयरबड्स को खरीदना चाहता है वो इनको खरीदने में हेल्प मिल सके। सो गाइज, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।